होली पर कई राज्यों में हिंसा, मस्जिद के आगे हमला, दलित परिवार की पिटाई, परिवार पर चलाई लाठियां। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। सोमवार 25 मार्च 2024 को देश में धूमधाम से होली का त्यौहार मनाया गया। इस अवसर पर देश के कई हिस्सों में अराजक तत्वों द्वारा हिंसक गतिविधियों को भी अंजाम दिया गया। उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश से भी इसी प्रकार की हरकतें सामने आई। पंजाब के लुधियाना में मस्जिद के आगे एक युवक की पिटाई का आरोप है, जबकि उत्तराखंड के रुड़की में रंग पड़ जाने पर लाठी डंडों से हमले जैसी घटना सामने आई। तो आज स्पेशल स्टोरी में इन्हीं हिंसा की खबरों पर विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं क्या है कट्टरपंथियों की गंदी करतूतें। पूरा देश होली के रंग में रंगा नजर आया, हर तरफ खुशी का माहौल रहा, लेकिन होली के रंग में भंग डालने वालों की कमी नहीं है। ये कुछ कट्टरपंथी हैं जिन्हें हिंदुओं के हर एक त्यौहार से दिक्कत होती है, परेशानी होती है और ये अपनी हरकत से बाज नहीं आते, जिसके चलते कई जगहों से होली खेल रहे लोगों पर हमले की खबर सामने आई। कई हिंदू पर मुस्लिम भीड़ ने जानलेवा हमला किया। इतना ही नहीं, गंदी गंदी गालियां देते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा दिए। वहीं एक हैरान करने वाली खबर आगरा से सामने आई, जहां जिहादियों ने युवक के सिर और छाती पर हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में फाग के बज रहे डीजे के दौरान नमाज का वक्त बताकर विवाद किया गया। पुलिस इन तीनों मामलों की जांच कर रही है। यूपी के ही कुशीनगर में हिंदू यादव समाज के एक व्यक्ति पर मुस्लिम युवक ने हमला कर दिया। तो आगे एक एक करके हर एक मामले में विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं कहां कहां जिहादियों ने मचाया तांडव। मस्जिद के आगे युवक पर हमला, कट्टरपंथियों की घिनौनी करतूत। पहला मामला पंजाब के लुधियाना का है। यहाँ के टिब्बा थाना क्षेत्र में रहने वाले अश्विनी मिश्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में उन्होंने बताया कि उनका बेटा करण होली खेल कर घर आ रहा था, तभी सिंधु नगर इलाके में पड़ने वाली नूरानी मस्जिद के आगे लगभग 150 की तादाद में जमा हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमले में करण और उसका साथी हनी सिर में चोट लगने की वजह से घायल हो गए। घटना 25 फरवरी 2024 की बताई जा रही है। हालांकि इस मामले में दूसरे पक्ष की तरफ से मोहम्मद सुल्तान ने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन पर तेज धार वाले हथियारों से दूसरे पक्ष ने हमला किया था। इस दौरान वाहनों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। पुलिस दोनों पक्षों द्वारा मिली शिकायत पर जांच कर रही है। रंग से भड़का मुस्लिम युवक, हिंदुओं पर किया हमला। दूसरा मामला उत्तराखंड के हरिद्वार जिले का है। यहाँ के कोतवाली मंगलौर के रहने वाले अजय कश्यप ने पुलिस में तहरीर दी है, शिकायत दर्ज कराई है। तहरीर में उन्होंने बताया कि सोमवार को वो होली खेल रहे थे, वहीं पर डीजे भी बज रहा था जिस पर कुछ लोग नाच रहे थे। इसी नाच को देखते हुए कुछ मुस्लिम युवक वहां रुक गए, तभी थोड़ा सा रंग वहां खड़े एक मुस्लिम युवक पर गिर पड़ा। मुस्लिम युवक ने इस बार पर गुस्सा कर विवाद शुरू कर दिया। आरोप है कि जिस युवक पर रंग गिरा था वो वहां से जाकर अपने कई साथियों के साथ वापस लौटा। इन सभी के पास लाठी डंडे भी बताए जा रहे हैं। इन सभी ने होली खेल रहे लोगों पर हमला कर दिया, जानलेवा हमला। अचानक हुए इस हमले में सनी और सचिन नाम के दो लोग घायल हो गए। हमलावर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए हैं। पुलिस ने कुल 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इसमें असलम, सोनू और आफताब को नामजद किया गया है। मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नमाज के समय बजाया डीजे, दो पक्षों में हो गया विवाद। तीसरा मामला उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले का है। यहाँ के थाना क्षेत्र करारी के गांव छमीरछा में डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। बता दें कि यहाँ दलित समुदाय के मुकेश सरोज होली के दिन डीजे पर अपने साथियों के साथ नाच गा रहे थे, तभी गांव के ही मुस्लिम वर्ग के कुछ लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने नमाज का वक्त बताकर डीजे बंद करने को कहा। मुकेश सरोज ने ऐसा करने से मना कर दिया तो दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। कुछ ही देर में ये विवाद गाली गलौज और मारपीट में तब्दील हो गया। मामले की जानकारी बजरंग दल के सदस्यों को हुई तो वो पहुंच कर नारेबाजी करने लगे। आनन फानन में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा, दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया। मुकेश सरोज की तरफ से मुस्लिम पक्ष के 13 नामजद और 27 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
अगला मामला कुशीनगर का है, जहां हाटा तहसील के अहरोली थाना के तहत आने वाले भटगावा में एक हिंदू युवक को एक मुस्लिम युवक ने चाकू मार दिया। पीड़ित की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे गोरखपुर के अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। पीड़ित रामाकांत यादव होलिका जलाने के लिए घर से बाहर निकले थे। एक दुकान पर रास्ते में नबी हसन का बेटा फिरोज मिल गया और बात करते करते ही उसने अचानक से चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। सिर पर हमले किए जाने के बाद रामाकांत यादव वहां से भागे। एक ऐसा ही मामला यूपी के पीलीभीत से सामने आया है, जहां सोमवार को होली के मौके पर तेज आवाज में म्यूजिक बजाए जाने की वजह से भारी विवाद हो गया और नौबत पत्थरबाजी से लेकर गोलीबारी तक हो गई। इस घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। दरअसल बरखेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में तेज आवाज में गाने बजाने का एक गुट ने विरोध किया था। इसके बाद वो विरोध विवाद में बदल गया और लोग आपस में भिड़ गए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि म्यूजिक बजाने को लेकर दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद गांव में गोलियां चलाई गई, जिसमें एक व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया। अधिकारी ने आगे बताया कि कटकवाड़ा गांव में घटना के दौरान पथराव की भी सूचना मिली, जिसमें तीन अन्य घायल हो गए हैं। बिसलपुर के क्षेत्राधिकारी विशाल चौधरी ने बताया कि गोलीबारी बरखेड़ा थाना क्षेत्र में हुई है। अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी में विमल नाम का शख्स घायल हो गया है, जबकि पथराव में अंकित, सत्यपाल और विनोद घायल हुए। सीओ ने कहा कि दोनों गुट वर्तमान ग्राम प्रधान और एक पूर्व ग्राम प्रधान हैं और मामले की आगे जांच चल रही है। वहीं ऐसा ही एक मामला यूपी के सीतापुर से भी सामने आया है, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक पुजारी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। होली के दिन हुई इस वारदात से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुजारी की लाश मंदिर परिसर में खून से लथपथ मिली। गले और शरीर के अन्य हिस्सों में घाव के निशान थे। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। पूरा मामला रामकोट थाना इलाके के स्थित गंगा सागर तीर्थ मंदिर का है, जहां होली वाली सुबह पुजारी संकुल मिश्रा का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि पुजारी की हत्या रात में की गई थी। सोमवार सुबह जब ग्रामीण पूजा के लिए मंदिर पहुंचे तो देखा कि बरामदे में खून फैला हुआ था, वहीं पर पुजारी संकुल मिश्रा का शव पड़ा था। इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक गंगा सागर तीर्थ मंदिर के पुजारी संकुल मिश्रा की सोते समय अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी है। मंदिर परिसर में हुई इस हत्या की खबर मिलने के बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। खुद पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश मिश्रा घटना स्थल पर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक घटना के खुलासे के लिए डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट के साथ साथ कई टीमें मौके पर जांच के लिए जुटाई गई। मृतक पुजारी संकुल मिश्रा पड़ोस के ही एक गांव में रहने वाले हैं। वो रामकोट थाना क्षेत्र के गंगा सागर तीर्थ मंदिर में पुजारी थे और रात को मंदिर परिसर में ही सोया करते थे। उन्हें आखिरी बार होलिका दहन कार्यक्रम में देखा गया था। पुलिस का कहना है कि जल्दी घटना का खुलासा कर लिया जाएगा। इलाके में हालात अभी भी फिलहाल सामान्य है और किसी भी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। फिलहाल पुजारी की हत्या किसने की और क्यों की, इसका पता नहीं चल पाया है। वहीं उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां कुछ लोग दो मुस्लिम महिलाओं और उनके बच्चों पर जबरदस्ती होली का रंग लगा रहे हैं और उन्हें पानी से भरा गुब्बारा मार रहे हैं। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये घटना 24 मार्च धामपुर थाना क्षेत्र की पंजाबी कॉलोनी की है। 24 मार्च को धामपुर थाना क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के एक युवक और उसके परिवार की महिलाओं पर जबरन रंग डालने और गाली गलौज करने का वीडियो सामने आया था। इसके बाद पुलिस ने तीनों नाबालिगों को हिरासत में लेकर और आरोपियों से पूछताछ की। वहीं एक अन्य वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि दो महिलाएं अपने बच्चों के साथ जा रही हैं, तभी रास्ते में कुछ लड़के उनका रास्ता रोक लेते हैं और ज़बरदस्ती उन्हें रंग लगाने की कोशिश करते हैं और पानी के गुब्बारे मारते हैं। महिलाएं खुद को और अपने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन शरारती तत्व उनके साथ बदसलूकी करते हैं। इस मामले पर धामपुर के SHO किशन अवतार सिंह ने फ़ोन पर बताया कि उन्हें वायरल वीडियो की जानकारी सोशल मीडिया डिपार्टमेंट से मिली है, इसकी जांच शुरू कर दी है, जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।